बेसिकली ये यहाँ पर आपको मैंने इनवाइट किया है जस्ट फॉर इनफॉर्मल इंटरेक्शन, लेकिन खुशकिस्मती या बदकिस्मती बीच में ही कुछ ये जो हुआ है, बीजेपी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, डिप्टी मेयर को नाम लिया गया है बार बार, तो मैं आप बरादरी से ये बेसिकली गुजारिश करना चाहता हूँ कि बर्फगिरी मैं एक्सपेक्ट करता था कि आपके व्हाट्सएप और मैसेजेस के बौछार आएंगे, क्योंकि आप लोग हर जगह होते हो, अपडेट होते हैं। हाँ, किसी ने फ़ोन किया था शारजा ग्राउंड पे ऐसे प्रॉब्लम है, मैंने सॉल्व की, 3 फ़ोन मेरे पास मीडिया फ्रेटर्निटी से कुल आए, बाकी 870 कॉल्स जो मेरे पर्सनल मोबाइल पे आई वो लोगों की आई। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी तरह एक स्टेक होल्डर हैं, आप भी जागो, मुझे सिखाओ कहाँ क्या करना है, उस पर ये थी। दूसरा जो कल मैंने बोला है कि मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं बीजेपी का पार्ट नहीं हूँ, मैं बीजेपी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि हमारा मेयर जो जुनैद अजीम मतू साहब, उनके बीजेपी के मेयर हैं, उन्होंने उसको सपोर्ट किया या क्या किया क्या नहीं किया, बखूबी मैं उनका खैर मकदम करता हूं कि आपने ये तो वाजिया कर दिया कि शेख मोहम्मद इमरान एक अदना सा डाउनटाउन से जो बिलोंग करता है, अब बिजनेसमैन था या बॉयकॉट फैमिली से बिलोंग करता है, उसने ख्वाब देखा था डिप्टी मेयर बनने का और उसने कहीं ना कहीं टांग अड़ाई है। फिरका परस्ती की बात हुई, फिरका परस्ती की बात, आप अपने कमरों में उन बीजेपी के दफ्तर हाई सिक्योरिटी अंडर के, पहले तो आपके PSO के गन लिए गए थे, जब किसी और के लिए जाते हैं वो PSO सस्पेंड होते हैं, जब किसी और के लिए जाते हैं वो SSP सस्पेंड होता है, तो आपके तो अभी भी गन के बगैर भी PSO वही है, कुछ हुआ नहीं है। फिरका परस्ती के ऊपर उठिए, आप तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप तो किसी की विड्रॉ कर रहे हो, किसी का कुछ और कर रहे हो, ये आप देख लो, ये सब लोग जानते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं आप आइए लाल चौक में घंटाघर के सामने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिए, तब बात बनेगी। बीजेपी को यहाँ पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, मेरे दिल का हाल जो आप सुन चुके हैं मेरी जबानी, ये बखूबी सारी कश्मीर जानती है। हाँ, मुझे मैंडेट दिया गया डेवलपमेंट के लिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है मुझे लोगों का, लेकिन ये दोगलापंथी नहीं चलेगी। कश्मीरी ने कभी नहीं बोला कि डेवलपमेंट एंड मनी एट द कॉस्ट ऑफ एस्पिरेशंस एंड सैक्रिफाइसेस। वी हैव ऑलवेज सेड वी वॉन्ट डेवलपमेंट बट इन कीपिंग इन व्यू एस्पिरेशंस एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ आर पीपल। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम लोगों ने हड़ताल किया था, हड़ताल किया हमने, 8-8 महीने सर्वाइव किया, तब हमने नहीं बोला हमारा नुकसान हो रहा है। आपको ये समझना चाहिए, आप उन हाई सिक्योरिटी एरिया से निकल के ग्राउंड पर आइए, लोगों को पूछिए कि क्या आप चाहते हैं। मैंडेट मिला है डेवलपमेंट का, लेकिन मैं मैंडेट डेवलपमेंट में अपने कश्मीरी या श्रीनगर के भाई को बेचने नहीं दूंगा। कोई भी यहां बिकाऊ नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस डेवलपमेंट के नारे पर आप हमें खरीद लोगे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी आप गफलत में हो। बाकी रेप के बारे में जैसे आपने आपने पासिंग रेफरेंस दिया, मुझे शर्म आई उसको सुनने में। रेप हुआ है, ऑनरेबल गवर्नर को बोलिए, अगर आपकी सरकार है, आपके अपॉइंटेड गवर्नर हैं, आप मोदी जी की तारीफ करते हैं, उनका और मेरा स्टेचर कहीं मैच ही नहीं है। मुझे कहाँ बौखलाहट आएगी, डेप्यूटी मेयर श्रीनगर, कहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द स्टेज साइज एवरीथिंग इज डिफरेंट। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ रेप के बारे में, अगर मैं कल निकला, मेरी तंजीम निकली, हम बानीहाल में निकले, यहां निकले, आप निकल लिए, ये ऐसे नहीं चलेगा कि आप बोलोगे मुस्लिम हिंदू सिख किसी का भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। हर कोई हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहा हूं, रजिस्टर कर रहा हूं यहां पर आपके सामने कि जो आपने बोला, आपको माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। बाकी फोबिया की बात आपने की, मुझे कोई बीजेपी का फोबिया नहीं है, आपको मेरा फोबिया हो चुका है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के इंडिपेंडेंटली मैं लड़ा, मैं कोई कांग्रेस के कठपुतली नहीं हूं, जैसे आपने अपने किसी और को ओहदेदार को कठपुतली बना के रखा है, सिट डाउन स्टैंड अप करवा रहे हैं। मैं इंडिपेंडेंट हूं, आई हैव माय सेंटिमेंट्स, आई हैव माय एस्पिरेशंस, आई हैव फॉट इलेक्शंस फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज इज एविडेंट सिंस आई सैट ऑन द चेयर। मैं सड़कों पर होता हूं अपने लोगों के लिए और अपने लोगों की मुसीबत दूर करने के लिए यहां पर आया हूं। बाकी आप किसी भी कश्मीरी को अपने हक को बुला नहीं सकते हो डेवलपमेंट के लिए, आप तो डेवलपमेंट इज पार्ट एंड पार्सल, बिजली पानी सड़क। आप बेंगलोर में देखो, वहां लोगों को नहीं मांगना पड़ता है बिजली पानी सड़क, दिल्ली में नहीं मांगना पड़ता है, वहां पर बेसिकली कॉरपोरेटर्स MLAs या गवर्नमेंट मशीनरी दे डू इट ऑटोमेटिकली। लेकिन यहां बदकिस्मती जहां देखो नौकरी बिजली पानी सड़क भीख और रिश्वत,
अब इस चीज के लिए हमें 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 अगर मैं रोड पे आता हूं, आप कहते हैं मुझे बौखलाहट आई है, ये आपकी गलत फहमी है। आप इन बड़े बड़े दफ्तरों से निकलिए। मैं ये बोलना चाहता हूं, जो वहां पर तीन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही पहले जो उन्होंने की बात की मेरे साथ, 50 लाइटों की लेटर भेजी, बड़ी बाइज्जत तरीके से मैंने बात की और उसको ऑनर किया है।